मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने आवास से गोरखपुर में हुए विकास कार्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भलोचिया मार्केट में 58 लाख रुपए की लागत से होटल सिवाय से भलोचिया मार्केट तक की सीसी रोड का ऑनलाइन लोकार्पण किया, जिसके संबंध में दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष ने बताया कि लगभग पिछले कई वर्ष सड़क नहीं बनने से दवा विक्रेताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी को रखा गया था। उसके बाद एक महीने के अंदर नगर निगम के द्वारा रोड बनवा दिया गया, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद के पात्र हैं। इस अवसर पर दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया सहित अन्य पदाधिकारी और दवा व्यवसायी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया तथा अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के बहुत बेहतरीन कार्य वहां पर करने का कार्य किया।
मैं आलोक शोर से महामंत्री दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज 54 वार्डों में, पूरे गोरखपुर के 54 वार्डों में सड़क निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजित था। उसी संदर्भ में माननीय महाराज जी ने आज भलोटिया मार्केट की सड़क का भी लोकार्पण किया है, जिसके लिए हम पूरा दवा व्यवसायी संगठन दवा विक्रेता समिति उनके प्रति आभार प्रकट करती है। ये सड़क पिछले 2.5 दशक से अपेक्षित थी, इसके तरफ किसी भी निकाय का लाख अपील करने के बाद भी ध्यान नहीं जाता था। आज इस सड़क के बनने के पूर्व अगर कोई यहाँ आना भी चाहता तो साइकिल तक से प्रवेश नामुमकिन था, क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, सीवर का पानी और पूरा गंदा बरसात का पानी 12 महीने एकत्रित रहता था कि यहाँ एंटर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। यहाँ पे बरसात के दिनों में एक एक दुकान के अंदर गंदा पानी नाली का सीवर का घुस जाता था, जिससे लाखों की व्यापारियों की दवाएं को नुकसान हो जाता था। इस पर मुकदमा भी था, स्टे भी था, इस वजह से अनप्रशासनिक मामला भी कई बार प्रयास करने के बाद भी उसमें कामयाबी नहीं पाता था। एक बार इतना विकट स्थिति हो गई कि हम मंडी के अंदर घुसी प्रवेश नहीं कर पा रहे, इतना जल जमाव था। उस संदर्भ में बात हो कि यहाँ गांधी प्रतिमा के समक्ष हमें रोड जाम करना पड़ा, जिसका तत्कालिक मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसके लिए 54.70 लाख रुपये कमिश्नर जी के फंड से जारी कराया और समस्त जिला प्रशासन, नगर निगम, विशेषकर नगर आयुक्त महोदय एवं मुख्य अभियंता सुरेश चंद जी का मैं भी आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने तन्मयता से लग के इस कार्य को संपूर्ण किया। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, नाली और RCC सड़ आपके सामने, इसका सामने आपके उदाहरण के रूप में मौजूद है। और इसके प्रति हम पूरा दवा विक्रेता समिति और लगभग 30,000 लोगों का प्रत्येक दिन इस रोड से आवागमन होता है। समान नागरिक के लिए भी एक अच्छी कनेक्टिविटी हो गई, क्योंकि ये सड़क आगे जा के गांधी गली जो कि गोलघर और विजय चौराहे से भी मिलती है, तो वहाँ के भी जाम लगने की स्थिति में आम जनमानस इस सड़क का इस्तेमाल अब कर रहा है, तो एक शहर के लिए बड़ी राहत की खबर है। और हम पूरा दवा विक्रेता समिति और गोरखपुर के समस्त नागरिक महाराज जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनके यशस्वी जीवन और यशस्वी कार्यकाल की भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। योगेंद्रनाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, विकास के गंगा बहाने का कार्य किए हैं और 101 करोड़ रुपए की लागत से पूरे गोरखपुर में 164 सड़कों के शिलान्यास और भालोटिया मार्केट के सड़क का 58 लाख रुपए से लोकार्पण का कार्य किए हैं माननीय महाराज जी ने। यह कर हम भालोटिया मार्केट के दवा विक्रेताओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, जिससे हमारा रोजगार और व्यवसाय बढ़ेगा। पिछले 2 दशकों से ये पूरा मार्केट बहुत उपेक्षित था, बहुत ज़्यादा पानी चल रही थी और पूरा एकदम रास्ता जो है एकदम जर्जर था, लोग आते जाते थे, गिर जाते थे। और माननीय महाराज जी से हमारा दवा विक्रेता समिति का पूरा संगठन, मैं अध्यक्ष और आलोक चौरसिया जी महामंत्री हैं, अर्जुन अग्रवाल जी चेयरमैन हैं, राजेश तुलसियान जी हैं उपाध्यक्ष, ये सभी लोग मिलकर माननीय महाराज जी से बहुत बार निवेदन किया गया और माननीय महाराज जी ने इसको अपने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लगकर जो है सारे अधिकारियों के संग वार्ता की, नगर निगम को आदेश दिया, अपने स्पेशल फंड से फंड रिलीज किया, जिसके तहत ये भालोटिया मार्केट का सड़क का निर्माण हुआ है। हम पूरे मार्केट और पूरे शहर के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं अपना।